हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह और मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मानव जीवन में इतनी सार्थकता होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए जन्म लिए हैं उसमें आपको गौरवशाली बनना चाहिए और सार्थक बनना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराणा प्रताप, राम कृष्ण, मोहम्मद साहब, जवाहरलाल नेहरू आदि महामानव कभी मर नहीं सकते हैं। ये लोग हमारे महामानव थे जो कि हमारे लिए विश्व में अपने नाम दर्ज कर लिए हैं, जो कि कभी ये मिट नहीं सकता, ना ही ये कभी मर सकते हैं। उनको मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भी नाम ऐसे जगह लिख जाए, कभी ना मेरा मिल पाए और ना ही हम मिल पाए। दोस्तों अगर आप सभी को ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब करना होगा, चाहे जो कुछ भी करें कुछ हट के करना होगा। अगर आप इस सार्थकता से काम करते हैं तो आप एक ना एक दिन महाराणा प्रताप, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे मेरे जैसे, आप एक ना एक दिन जरूर बनेंगे। दोस्तों अगर आप जीवन सार्थकता का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग हमारी संगी साथी तथा मित्र हो सकते हैं। अगर किसी भी सार्थकता से किसी भी काम को किया जाए तो आपका दोस्त मित्र यार कोई भी हो सकता है। अगर ये सब ना हो तो हमारे सच्चे तथा सच्चे सहयोगी मित्र कोई नहीं बन पाता है। इससे मानने की बात है कि लोगों कुछ नहीं करते हैं अपने काम के आगे। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सार्थकता से अपने मतलब किसी भी काम को सार्थक महत्वपूर्ण समझ के ही काम कीजिए। दोस्तों उनको कोई कार्य बताकर परीक्षा देना चाहिए। जैसे कि किसी भी काम को, किसी भी पहाड़ पर उतरते हैं या चढ़ते हैं, उसकी सार्थकता होनी चाहिए कि मुझे क्यों चढ़ना है, मुझे क्यों काम करना है। चाहे कोई आप बिजनेस करते हों, चाहे कुछ भी करते हों, आपको बस काम यही होना चाहिए कि मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है। मन में घृणा और माल में खोटा होगा वह व्यापार में कभी सफल नहीं होगा। अगर आपके मन में घृणा होगा, चाहे आप भ्रमण करेंगे, आप कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो सकते। वह तो घर का भी धन नष्ट कर देगा दूसरों को अपना बनाने के लिए। दया, नम्रता और सहिष्णुता, अपना तो भाव ये होना जरूरी है इत्यादि, गुणों का बहुत होना जरूरी है। जीवन में सार्थकता बनने के लिए देश में इन सब गुणों को हथेली पर चलना चाहिए, जो कि मैं एग्जाम्पल में बताया हूँ। नम्रता, दया, अपनत्व भाव, आचरण की सभ्यता आदि सब आपके जीवन में होना चाहिए। इस भाव पे आप चलेंगे तो आपको कभी कोई भी चीज़ की सार्थकता नहीं होगी। हमारे मार्ग पे आने वाले बताए गए वास्तव में परीक्षा की घड़ी होती है। आप जब किसी भी बिजनेस को करते हैं तो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है, उसमें आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसमें आपकी सार्थकता का परिचय देता है, चाहे परीक्षा होती है। अगर आप उस सार्थकता या परिश्रम को सहन कर पाते हैं तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों अगर अपने अपनत्व पे काम करिए, अगर अपने लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे, बूझेंगे और उसको उससे विचार करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी काम को करते हैं उसमें मन लगा के करें, आप एक ना एक दिन जरूर सफल व्यक्ति बनेंगे। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को खूब से खूब शेयर करें। दोस्तों अपने मानव जन्म की सार्थकता को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ मुझे करना पड़ता है और सहना पड़ता है।
दोस्तों ये मेरा मोटिवेशन वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।